क्यों फालतू में पंगे लेती रहती है? हम तो कह रहे हैं कि चल घर चलते हैं। बुलबुल रोक रोक रोक, सिग्नल है आगे। अब सिग्नल तोड़ेगी क्या? धत तेरी की, निकल गया ना मोजा सा। देख विमला, अभी तेरा बहुत हो गया तमाशा। अरे हम कह रहे हैं कि हम खुद ही रंजू जी की मदद के लिए आए थे, बात समझ में नहीं आती। अरे यही तो चाल है इनका, ये अपना इतना बेचारी बना लेंगी अपने को कि कोई भी मर्द इनके मदद करने के लिए आए तो उसका दिल पिघल जाता है और अपने जाल में फंसा ले। अरे मैडम जी, यहाँ दाल नहीं गलेगा आपका, जाओ कहीं और दूसरा मर्द ढूंढो। जुबान संभाल कर बात कर विमला, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। भड़काने में आपने अपने कोल्लू के ऊपर हाथ उठाया, अब मेरे ऊपर हाथ उठाएगी, यही दिन देखना बाकी रह गया था। मारो। अरे मैडम जी, आप कौन समंदर मारी है हमरे भरत पे, जो आप ही का बोली बोलता है। बुलबुल स्कूटी रोक, माए आगे। लेकिन यहाँ हो क्या रहा? कहीं माँ डीजल बाइक पकड़ना। अरे बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अरे बात करने का सहूर नहीं है तुम्हें। माफ करिए, हमको बात करने का सहूर नहीं है, लेकिन हम दूसरे के मर पे डोरा नहीं डालते इसकी तरह। क्या हुआ माँ? लो अब इनकी मन पढ़ू बेटी भी आ गई। माँ बेचारी बन के आसरा ढूंढ रही है और बेटी जो है गुंडा बन करके मारपीट कर रही है। अरे आज हम अगर नहीं रोक लगाते ना तो ये अपनी चारों बेटी को लेकर के हमारे घर में आकर के बस जाती। छोड़ी हुई औरत हमेशा इसी फिराक में रहती है कि कोई मर्द मिले और उसे अपने जाल में फंसा ले। लेकिन मैडम जी, यहाँ आपका दाल नहीं गलेगा, कोई और जाकर के मर्द ढूंढो। ए, क्या बके जा रही हो तुम? हाँ, अपना गंदा जुबान से एक लफ्ज और निकाले ना, ऐसा घूसा मारेंगे यहीं बिखेर देंगे। बोल भैया, चुप रहे। अरे बाप रे, हमको धमकी दे रही है मारने के लिए। मारो मारो, हमको मार डालो। अरे हम ही तो कांटा है तुम सबके रास्ते का। हम मर जाएंगे तो तुम भी मार दो, मर्द मिल जाएगा और तुम लोगों को बाप मिल जाएगा। देख रहे ना मोहल्ले वाले, देख रहे ना, आज ये हमारे साथ हो रहा है, कल आप लोगों के साथ भी होगा। इतना घटिया औरत, इतना घटिया हरकत आज तक नहीं देखे। बस कीजिए, यहाँ पे आज से ज्यादा घटिया हरकत कोई नहीं कर रहा है, और हम आपके घटिया सवालों का इसलिए जवाब नहीं देना चाह रहे क्योंकि हम आपके सवालों का जवाब देके उसकी अहमियत नहीं बढ़ाना चाहते। आप निश्चिंत होकर घर जाइए, क्योंकि हमें और हमारी बिटियों को जीने के लिए किसी मर्द के साये की जरूरत नहीं है, समझिए आप। और हाँ, तो माँ कसम खा के कह रहे हैं, बोलने लायक नहीं रहेंगी। बुलबुल बोला ना घर चलो। चलो ऐसे कैसे घर चले माँ, इन्हें समझाना तो पड़ेगा ना। तू घर चल मेरे साथ। औरत की वजह से तो हमारा मुंह बोलने लायक भी नहीं रहा, हमें माफ कर दो बेटा। लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ चाहता है क्या तुमको? हमने सामने सौरभ तो मानी जा रही थी तुम। अगर कोई हमारी माँ को कुछ कहेगा ना तो अपने पैरों पर चल के नहीं जाएगा, उसकी टांगे तोड़ देंगे हम।
अम्मा जी ये यही चाहती थी कि हम सबको थप्पड़ मारते फिरे। आज इसे पता चलेगा कि थप्पड़ मारने से किसी का मुंह बंद कराया जा सकता है, उसको शांत कराया जा सकता है, लेकिन उसे संतुष्ट नहीं। छोड़ी हुई औरत हमेशा इसी फिराक में रहती है कि कोई मर्द मिले और उसे अपने जाल में फंसा ले। छोड़ी हुई औरत जो होती है ना, वो पूरे मोहल्ले के लिए खतरा होती है, खतरा। नए नवेले रंग रूप को फंसाने का उम्र तो है नहीं, तो शादीशुदा मर्द के ऊपर डोरे डालना शुरू करती है। अरे आज हम अगर नहीं रोक लगाते ना, दी अपनी चारों बेटी को लेकर के हमारे घर में आकर के बस जाती। यहाँ बैठे अकेले में कसुए बहा रही हो, तुम्हें कब से लोगों की बातों का असर होने लगा? उका है ना कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। बस यूं ही अम्मा जी, आज थोड़ा। हम तो तुम्हें दिन रात सुनाते हैं, हमारी बात का तो कौनो असर ना हुआ। अब देखो ना, हम कितनी बार बोले कि हमें शाम की चाय टाइम पर चाहिए, पर आज तक नहीं मिली और आज भी नहीं मिलेगी। उका है ना कि तुम तो यहाँ बैठी आंसू बहा रही हो, लगता है हमारे नसीब में बहुरिया के हाथ की चाय लिखी नहीं। अभी लाई। धन्यवाद अम्मा जी। अपना धन्यवाद अपने पास रखो, हमें तो बस इस वक्त बढ़िया सी अदरक की चाय पिला दो।